जहां पुलिस सट्टा माफियों को पकड़ने के बड़े बड़े दावे करती है, टीमें गठित कर इन सट्टा माफियों पर कार्रवाई करने की बात करती है, वहीं पुलिस इन सट्टा माफियों के सामने घुटने टेकती नजर आ रही है। पुलिस व पुलिस अधिकारी एक दिन की कार्रवाई कर इन माफियों को जड़ से उखाड़ने की बात करते हैं, लेकिन एक दिन बाद इन सट्टा माफियों का कार्य फिर उसी स्तर से शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है पुलिस एक दिन कार्रवाई करके अपने नंबर बनाना चाहती है। जी हाँ, आपको बता दें, ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है। मेरे शहर के बीचों बीच जलीकोटी के नाले के बराबर वाली गली में एक मकान में सट्टा माफिया इरफान वे इमरान के कई गुर्गे बड़े स्तर से सट्टे का काम को अंजाम दे रहे हैं। सूत्रों की माने तो इतने बड़े स्तर पर सट्टे का कारोबार पुलिस की मिलीभगत से चल रहा है। ये काम कई वर्षों से चल रहा है, पता नहीं कितने घर बर्बाद हो चुके हैं और ना जाने कितने घर बर्बाद हो जाएंगे, जिससे इरफान ने करोड़ों रुपए की संपत्ति भी इकट्ठा कर ली है। आखिर पुलिस कब कसेगी इन माफियों पर नकेल? अब देखते हैं आला अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं।